हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग एलोन क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा एलोन क्रैश कोर्स का केमिस्ट्री का पहला क्लास है। इसमें आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें, या फिर कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है ये महा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, विगत कई वर्षों से पूछा जा रहा है और 2025 के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे अवश्य रूप से देख जाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा दिया जाता है कि जिस अभिक्रिया के वेग को संदर्भ के सिर्फ एक पद में परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या परिभाषा दिया जाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा दिया जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा दिया जाता है कि जिस अभिक्रिया के वेग को इसको जिस अभिक्रिया के वेग को जिस अभिक्रिया के वेग को संदर्भ के जिस अभिक्रिया के वेग को संदर्भ के सिर्फ एक पद में परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है। परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है निर्धारित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यह हमारा क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहता है कि जिस अभिक्रिया के वेग को संदर्भ के सिर्फ एक पद में परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि क्या मानते हैं हम लोग? कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया मान लेते हैं। माना कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया ये हमारा है, इससे हमको क्या बनता है? प्रतिफल। कोई पदार्थ है जिसका हमको क्या बनता है? प्रतिफल। कहता है कि प्रारंभ में इसका संदर्भ हमारा है ए,
तो प्रतिफल हमारा क्या होगा, जीरो। किसमें? प्रारंभ में। अब कह रहा है कि अभिक्रिया करेगा तो प्रतिफल कुछ बनेगा, तो हमारा a माइनस एक्स इसका सांद्रण, तो प्रतिफल बना हमारा x। प्रतिफल हमारा कितना बना? x। कितने समय पश्चात? तो t समय पश्चात बना। अब कह रहा है कि हमारा अभिक्रिया का वेग dx बटे dt, अभिक्रिया का वेग dx बटे dt समानुपाती होगा किसके? हमारा जो हमारा सांद्रण है उसके a माइनस एक्स। dx बटे dt किसके समानुपाती हमारा है? a माइनस एक्स के। इसे नोट करें, अब हम लोग क्या करते हैं, समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियत राशि देंगे। समानुपाती को हटा के हम लोग क्या देंगे? एक नियत राशि देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? dx बटे dt बराबर k a माइनस x, जहां k हमारा क्या है? के एक नियतांक है। क्या हमारा क्या है? नियतांक है। के हमारा क्या है? के एक नियतांक है। जिसे इस के का कुछ नाम दिया गया है। के का हम लोग क्या बोलते हैं? के को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। वेग स्थिरांक कहते हैं। के हमारा क्या है? एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? के इस dx बटे dt जो हमारा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx बटे a माइनस x। इस a माइनस x को हम लोग इस तरफ लाए, ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और इस dt को हम लोग गुना कर देंगे तो k dt इतना होगा हमारा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण एक। इसको हम लोग समाकलन करेंगे। समीकरण एक के दोनों ओर, समीकरण एक के दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन क्या होगा हमारा? समाकलन dx बटे a माइनस x बराबर समाकलन k dt। इसमें जो नियत राशि है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? समाकलन dx बटे a माइनस x बराबर के समाकलन dt, इतना हम लोग लिख सकते हैं।
अब हमारा फॉर्मूला होता है समाकलन dx बटे x log x। एक फॉर्मूला होता है हमारा क्या, समाकलन dx बटे x, इसको हम लोग लिखते हैं log x। पढ़ते हम लोग है log x, लिखते हम लोग क्या ln x। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log माइनस लेंगे आगे चूंकि हमारा a माइनस x, x माइनस में है, माइनस a माइनस x बराबर k। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा समाकलन dx बराबर x, इस हिसाब से समाकलन dt बराबर क्या हो जाएगा हमारा t प्लस सी। एक समाकलन नियतांक जोड़ देते हैं, ये दोनों हमारा क्या है सूत्र है, समाकलन dx बट x हमारा log x भी होता है, ये हमारा ln x है, ये नेचुरल लॉग के लिए है, प्राकृतिक लॉग के लिए ये हमारा क्या है माइनस ln a माइनस x बराबर के टी प्लस सी, जहां सी समाकलन नियतांक है, जहां सी क्या है समाकलन नियतांक है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण दो। अब हमारा क्या कह रहा है कि यदि समय हमारा जीरो होगा, क्या यदि टी बराबर जीरो, समय क्या होगा हमारा जीरो, अर्थात प्रारंभ में जब कुछ नहीं रहा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो x बराबर जीरो कोई प्रतिफल नहीं बनेगा, जब समय हमारा जीरो तो कोई प्रतिफल नहीं बनेगा। इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, मान देंगे समीकरण दो में का माइनस एल एन ए माइनस जीरो, एक्स के ऊपर जीरो लिए बराबर के गुने जीरो प्लस सी, इतना होगा हमारा एल एन लिखे ए माइनस एक्स, एक्स बराबर जीरो, किस स्थिति में जब टी बराबर जीरो, तो टी के जगह पर हम लोग जीरो लिए और एक्स के जगह पर क्या लिए जीरो लिए, ये हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया माइनस एल एन ए बराबर जीरो प्लस सी, ये हमारा जो निकल के आया सी बराबर माइनस एल एन ए, इतना निकल के आया, इसे नोट करें। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण दो में c का मान देंगे, किसमें देंगे समीकरण दो में, समीकरण दो हमारा कहां है, समीकरण दो में समीकरण दो में c का मान देने पर, समीकरण दो हमारा यहां है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं c का मान दे रहे हैं, तो c का मान दे क्या हो जाए हमारा माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस एल एन ए, कितना लिखेंगे इस माइनस एल एन को हम लोग इधर लाइन क्या जाएगा हमारा प्लस एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी, इतना होगा हमारा इस माइनस एल एन को हम लोग इधर लाए। अब हमारा एक और फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो हमारा होता है लॉग एम बटे एन एल एन ए बटे ए माइनस एक्स बराबर के टी, इतना होगा। अगर इससे हम लोग के का मान निकाले तो के बराबर हमारा एक बटे टी
ln a बटे a माइनस एक्स। अब इसलिए हम लोग नेचुरल लॉग को हम लोग लॉग में बदलते हैं, तो लॉग में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 2.303 से गुना कर देंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं k बराबर 2.303 बटे t log a बटे a माइनस एक्स। ये जो हमारा समीकरण निकल के आया, ये हमारा क्या आया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या आया हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या निकल के आया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, या ये हमारा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के अनुसार जवाब देंगे, और ये दो तरह से पूछा जाता है, आपको शुरू में ही बता दिया गया है कि पहले पूछा जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा दिया गया और ये हमारा व्यंजक है, या फिर उसी को दूसरे रूप में पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण ज्ञात करें, तो बस हमको लास्ट में लिख देना है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।